हेलो फ्रेंड, स्माइल टीम ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस समय हम खुशी नगर में हैं, आपको ले चलेंगे पार्क में। और यहाँ पे जो भी सुंदरता है इस पार्क की, उसको हम अच्छे तरीके से दिखाएंगे। फ्रेंड, आप हमारे ब्लॉक में बने रहिए। भैया जी लोग हैं, थोड़ा मिलते हैं, बातें करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? और ठीक है, बढ़िया। और फ्रेंड लोग कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ के आप लोग रहने वाले? देखिए, यही खुशिया नगर के आसपास के लोग रहने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे लोग। अच्छा, यह पार्क की सुंदरता जो है आप लोगों को अच्छी लगती है? यहाँ पे जो भी बौद्ध स्थल है खुशी नगर में, आप लोगों को सब अच्छा लगता है? अरे सर जी, थोड़ा बुद्ध जी के बारे में कुछ बताइए, दो वर्ड आप बताइए उनके बारे में। भगवान बुद्ध जो है, यहाँ जो है उनका जो है अंतिम सांस जी, जैसे मृत्यु को ही हम लोग परिनिर्वाण बोलते हैं। ये बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण स्थली है, और इसी वजह से जो है ये पूरे विश्व में जो है विख्यात। हाँ, विख्यात। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हर एक व्यक्ति के कण कण में बुद्ध बैठे हुए हैं। और आप आइए इस स्थली को एक बार देखिए। यहाँ पे हर एक पैमाने से हर एक देश और विदेश के लोग आते हैं और यहाँ पे देखने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बच्चे सब पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आ जाइए। कहाँ पे आप लोग रहने वाले? ये लगा के अच्छा लग रहा है। चलिए आगे, हम आपको ले चलते हैं। फ्रेंड, ये पार्क जो है बच्चों को खेलने के लिए है। यहाँ पे देखिए तमाम प्रकार के यहाँ पे सिस्टम लगे हुए हैं।
थोड़ा इसका मेन गेट देखते हैं किधर से है, फिर अंदर ले चलते हैं आपको। और यहाँ पे लाल लोग बने हुए इस पार्क का आनंद ले रहे हैं, उनके भाई लोग भी यहाँ पे हैं। देखिए पेड़ यहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है, एक बार आप जरूर आइए देख लें। आएंगे आप तो वन विभाग का क्षेत्र है, थोड़ा इधर देखते हैं, यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए काका जी यहाँ पे पौधे की रोपाई भी कर रहे हैं और इसको देख रेख कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए यह क्षेत्र बड़ा सा है, पार्क भी आपको बताएंगे। फ्रेंड आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए फ्रेंड यहाँ बागी बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको देखिए देखिए फ्रेंड बहुत अच्छा है, आप लग रहा है एक बार आप देखिए। आप देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइनें लिखी गई है, डिजाइनें देखिए। और भाई आप लोग सीखो कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। देखिए भाई खुशिया नगर के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आइए भैया, यहाँ लिखा गया है तो चिल्ड्रेन पार्क लिखा गया है। आप इसको एक बार देखो। देखिए भाई लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, पूछते हैं कहाँ के रहने वाले। और भाई आप लोग ठीक हो? कहाँ के रहने वाले? भाई लोग यहीं के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा। सबको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब दबा के शेयर करिए। थैंक यू गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है। आइए तो हम पार्क की खुबियाँ दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड हम पार्क के बाहर और भाई आप लोग ठीक हो? देखिए भाई लोग बहुत हैप्पी है। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। देखिए फ्रेंड यहाँ पे लोग आए हुए हैं पर्यटक लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड यहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है, इसे आप एक बार जरूर देखिए। देखिए हम पार्क थोड़ा अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाएंगे। देखिए पार्क के भाई लोग बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम मिलते हैं।
फ्रेंड, हम आपको बहुत अच्छी चीजें दिखाएंगे। प्रतिमा भाई लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए फ्रेंड, गौतम बुद्ध जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है और देखिए लिखा भी गया है। और खुशीनगर 13 मई 1994 में इसका गठन हुआ था। और देखिए कितना सुनहरे वर्ड में लिखा गया है, देखिए आई लव खुशीनगर, देखिए कितना अच्छा लिखा गया। और यहाँ पे देखिए साइड में इसके देखेंगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पे अगर आप आते हैं जल पान के लिए आपकी पूरी व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन सुविधा है बहुत अच्छा। यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से पर्यटक लोग आ जाते हैं, थोड़ा हमारे फ्रेंड लोगों को बताइए आप लोग सुविधा कितने टाइम देते हैं, कितने घंटे देते हैं? देखिए फ्रेंड, एक देश की बात नहीं है, यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आते हैं और अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं और भाई लोग पूरी सुविधा उनको देते हैं। बहुत ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू भाई। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक बार आप जरूर आइए।